नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा हैप्पी लाइफ विद बोकारो गार्डन में आज आपसे जो चटनी शेयर करने जा रही हूँ, आपने इसको कई बार खाई होगी। इसको मारवाड़ी लोग बहुत पसंद करते हैं। ये है लहसुन की चटनी। आप ये लहसुन देख रहे हैं, लहसुन को मैंने छील कर यहाँ रख लिया है। इसमें 5-6 लाल मिर्च को मैंने पानी में डाल लिया था। यहाँ पर इमली के 2-3 जब्बे को मैंने फुला कर उसके सीड निकाल लिए हैं खटाई के लिए, और यहाँ थोड़ी सी बेसन है। अब इसको कैसे क्या करते हैं, इस प्रोसेस को मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, तो वीडियो में बने रहें। और ये बहुत बेहतरीन स्वादिष्ट चटनी, जिसे आप पूरी, पराठे, चावल, जिस चीज़ से चाहे खा सकते हैं, मैं आपको जा रही हूँ शेयर करने। तो जरूर इसको बना कर एक बार ट्राई करें। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं मैंने, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाला है। आप जो भी तेल खाते हो उसको डाल सकते हो। और इसमें थोड़ी सी मैं आधी चम्मच जीरा डाल रही हूँ, एक तेज पत्ता को मैंने तोड़ लिया है और इसको मैं डाल रही हूँ, 4 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 6-7 काली मिर्च। दोस्तों, ये सब को आपको गर्म तेल में डालने के बाद थोड़े से भूनने हैं। और इसके बाद जो लहसुन छील कर रखा हुआ था, इसको सीधे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दोस्तों, थोड़े से लहसुन को हल्का सा ब्राउन होना है, और गैस को एकदम धीमी रखनी है, गैस को तेज ना करें। और ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, इतना ही इसको भूनना है। दोस्तों, अब इसको ऑफ कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि लहसुन जो है सो हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसको मैं ऑफ कर दे रही हूँ, इसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, अब एक मिक्सी में ले रही हूँ, मिक्सी में जो लहसुन और मसाले भुने गए थे उसको मैं डाल दे रही हूँ। ये ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद आपको इसमें मिक्सी में डालनी है। दोस्तों, मिक्सी में मैंने डाल दी है लहसुन को। अब जो यहाँ पर लाल मिर्च भिंगो कर रखा गया था, उसको लाल मिर्च को डाल देने हैं इसमें। और पानी जो है इसको फेंकना नहीं है, ये पानी हमारी बाद में काम में आएगी। इमली के 2 मैंने यहाँ फुला कर रखे थे, और इसको मैं डाल रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात कर लेना चाहती हूँ कि इमली की जगह पर आप चाहे थे आमचूर को डाल सकते हैं, या फिर दही डालकर आप बनाना चाहें तो दही वाली भी बहुत अच्छी बनती है। आप बारी बारी से सबको एक बार ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अब स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल लें। दोस्तों, मैं हल्की सी चीनी का भी उपयोग करती हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने डाल दी है, अब इसको पीस कर मैं लाती हूँ। मैंने यहाँ पीस कर ले आई है। इसको आप हल्का सा दरदरा भी रख सकते हैं। दोस्तों, कढ़ाई वही है, तेल भी वही है, उसमें गर्म होने के लिए मैं डाल दी हूँ। और थोड़ी सी आधी चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, 1 पिंच मैं इसमें हींग का डाल रही हूँ। दोस्तों, 1 चम्मच इसमें मैं अब बेसन का डाल रही हूँ। ये ज़रूर डालेंगे क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। अगर बेसन आप डालते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बनता है। और गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम पर रखना है, और इसमें बेसन को भुनने के लिए मैं डाल दी हूँ। गैस का फ्लेम वैसे ही रखना है। और इसमें मैं अब जो मसाले डाल रही हूँ उसको आपको बताते हुए चल रही हूँ। थोड़ी सी, एकदम हल्की सी मैं इतना सा इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, और भी कम। इसके बाद
थोड़ी सी लाल मिर्च भी मैं डाल रही हूँ, बस इतना सा, थोड़े से धनिया पाउडर। दोस्तों धीमी आंच पर ही इसको 1 से 2 मिनट आपको भूनने हैं, जो मसाले डाले गए हैं। बेसन भी भून कर तैयार हो गया है। इसी बीच में आप देखोगे कि बेसन से सुगंध भी आना शुरू हो जाती है। और इसके बाद 1-2 मिनट के बाद जो पेस्ट पीस कर आया है इसको डाल देने हैं, लेकिन गैस के फ्लेम को आप कम पर ही रखेंगे। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिला दें। मुझे कहना यह है कि अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़े से जो मिर्चा को जो भिगो कर रखा गया था उसी पानी को मैं इसमें थोड़ा सा मिला रही हूँ। आधी चम्मच मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। पानी में इसको घोल लेना है, 1 चम्मच पानी में घुल जाएगा और इसके बाद डाल देना है। दोस्तों ये इस तरह से सब मिल गए हैं। अगर इस तरह से आप बनाओगे, बेसन थोड़ी सी डालकर, तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अब मैं इसमें जो काश्मीरी मिर्च को घोली हो उसको डाल लेती हूँ। दोस्तों मैंने 2 चम्मच पानी इसमें डाली है, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा हो गया था। अब इसको ढक करके 2 से 3 मिनट तक आपको पकाने हैं। दोस्तों 2 मिनट बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, और अब इसका मतलब है कि ये पक गया है अच्छी तरह से। अब थोड़े से इसमें गरम मसाले डाल रही हूँ, बस इतनी सी। दोस्तों अब बनकर ये रेडी हो गया है। इसको किसी एयर टाइट बैग में रख लें, डब्बे में रख लें, और इसको आप फ्रिज में रखकर कई दिनों तक खा सकते हैं। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। दोस्तों आपको ये टाइट वाले में डाल लेना है। देखिए कितना गाढ़ा ये बना है, बहुत स्वादिष्ट सुगंध भी यहाँ तक आ रही है। धनिया पत्ते से इसको गार्निश कर लेते हैं। मैं इसको गार्निश कर दे रही हूँ और मैं चलती हूँ। किसी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। एक बार बनाकर ट्राई करके जरूर कमेंट में आकर लिखे कि कैसी लगी आपको लहसुन की चटनी। अतः आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।